जरूरत है गाइस। सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, मैं एक दो दिन से देख रहा हूँ, अभी YouTube ने 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस वाले चैनल गरिमा YouTube चैनल, जो कि नेपाल का एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट और पॉपुलर चैनल है, जिसके ओनर पदम तमांग हैं, उनका YouTube चैनल अभी YouTube ने ऑफिशियली डिलीट कर दिया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया है। देखो दोस्तों, मैं जब ऑनलाइन भी रहता हूँ या फिर ऑफलाइन भी रहता हूँ, सो मेरे से बहुत सारे लोग कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, और कंटेंट के बारे में पूछते रहते हैं कि कैसा कंटेंट अपलोड करें, किस पे स्ट्राइक आएगा, किस पे क्या होगा, ये होगा वो होगा। मतलब मैं बहुत सारी बातें ऑफलाइन तो बोलता हूँ, बट ऑनलाइन बहुत ही कम बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों वो मेरा कैटेगरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी व्यूअर्स को, जो भी यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर इन फ्यूचर आना चाहते हैं, मैं सभी को एक बात बता देता हूँ, अगर आप आना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूँ कि अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हो तो इन बातों को आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो देखा वैसा कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद से सब कुछ सही है। बट गाइज, अपने टॉपिक पे आते हैं। पदम तमांग का YouTube चैनल का नाम था गरिमा एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब पहले तो आप लोग उनका वीडियो और उनकी वाइफ का वीडियो देखो, आखिर किस कारण से उनका YouTube चैनल डिलीट हुआ, और मैं आगे बताऊंगा कि क्या उनका YouTube चैनल आ सकता है और रिकवर कैसे हो सकता है, उनके सपोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ आगे आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। प्लस अहिले हेर्नु नि, च्यानलले पदमको त युट्युबबाट च्यानलै रिमुभ भएछ होइन। त्यो च्यानल चाहिँ आजको दिनमा युट्युबबाटै रिमुभ भएको छ है, अनि युट्युबले धेरै स्ट्राइक्सहरू भएर पनि हो। अनि त्यो च्यानल चाहिँ कसरी रिकभर हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ, तपाईँहरूले कमेन्टमा यसो आइडियाहरू, तपाईँहरूलाई जान्ने बुझ्ने विद्वानहरूले यसो आइडिया सेयर गरे गरिदिनुहोस् साथी। त यस्तो कहिले भएको थिएन, म अहिलेसम्म युट्युब च्यानल जर्नी स्टार्ट गरिदिएको, अहिलेसम्म यस्तो कहिले भएको थिएन। हामीलाई टसन नै लागेको होला होइन, अब पदम पनि यहाँ छैन, पदम अहिले नेपालमा छ है। तर के भयो भयो, योपालि पदमको च्यानल दुईखेप स्ट्राइक भेट्यो होइन। प्लस So, दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया, अभी दो तीन दिन पहले पदम तमांग का YouTube चैनल डिलीट हुआ है गरिमा एंटरटेनमेंट, जिसमें कि 12 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे। और वो भाई, मैं उनका मतलब एक व्यूअर भी हूँ, मैंने उनका बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है, वो भाई मतलब बहुत एक ग्राउंड लेवल से इतने ऊपर आए, मतलब 12 लाख सब्सक्राइबर, यानी कि 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, ठीक है। बट फिर सही कारण क्या था, YouTube ने आखिर किस वजह से उनका YouTube चैनल डिलीट किया, वो सारी बातें अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, उनकी वाइफ जो है वो बता रही थी कि ऑलरेडी उनके चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुकी थी, बट ये पहले से कन्फर्म नहीं था, बट मैंने बहुत सारी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि उनके चैनल पे 2 स्ट्राइक था। और ये कोई मतलब नई बात नहीं होगी कि उनके चैनल पे 3 भी स्ट्राइक आया होगा। सो पहला कारण तो ये हो सकता है कि YouTube ने उनके चैनल पे एक और स्ट्राइक मारा होगा, और 3 स्ट्राइक आने के वजह से YouTube जो है उनका चैनल टर्मिनेट कर देगा। अगर आप लोगों को इसका रूल नहीं पता है तो मैं यहाँ पर साइड में मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप लोग सारा कुछ यहाँ पर पढ़िए। YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होते हैं उसको अगर आप लोग वायलेट करते हो तो YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है, मगर किसी अदर का कंटेंट यूज करते हो तो वो आपको स्ट्राइक मारता है, ठीक है। अगर 3 स्ट्राइक 90 दिन के अंदर में अगर आपके चैनल पे आ गई तो आपका YouTube चैनल डिलीट हो जाएगा। सो ये तो एक कारण हो सकता है, बट मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इनका चैनल के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो है बेटिंग ऐप का जो है बहुत सारी मतलब प्रमोशन करते थे। सो बेटिंग ऐप इलीगल ऐप होता है, मतलब उसका लिंक भी आप देते हो तो YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा। और बड़े बड़े, ये तो मान लो 12 लाख सब्सक्राइबर 10-10 मिलियन वाले चैनल मैंने डिलीट होते देखे हैं। मतलब कोई भी उसका ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हो इलीगल काम कर करके, YouTube के जो गाइडलाइन है उसको वायलेट करके आप बच नहीं सकते। एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप लोग अगर इलीगल तरीके से काम करते हो, मतलब पैसे के लिए आप लोग कुछ भी प्रमोट करते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो पहली बात तो ये हो गई कि इनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आई हुई होगी, उसके वजह से YouTube ने इनका चैनल डिलीट कर दिया। और दूसरी बात तो ये होगी कि इनके चैनल पे मतलब इन्होंने 1x बेटिंग जैसे ऐप होते हैं ना, बेटिंग ऐप, उस ऐप को प्रमोट किया होगा, उसके वजह से YouTube ने बिना कोई रीज़न इनका चैनल डिलीट कर दिया होगा। अब इनके पास एक ही चीज़ है, मतलब इसका सलूशन, या तो ये YouTube को अपील करे अगर ये सही है, ठीक है। सो ये लोग कर ही रहे हैं, और हम लोगों से जितना होगा हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। जो है बहुत मेहनत से मैंने इनका कंटेंट देखा है, पूरा लास्ट से मैंने इनका पूरा रिसर्च किया, मतलब एक ग्राउंड लेवल से बंदा यहाँ तक पहुँचा था, तो ऐसे बंदे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
सो भाई ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। सो ये चैनल तो हम लोग यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इनका चैनल जल्द से जल्द इनको वापस मिल जाए। अगर नहीं भी आता है तो हम लोग का क्या करना है, इन्होंने एक नया YouTube चैनल बनाया है, उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप लोग जाके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना उनको, मतलब और भी ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। और हो सके तो आप ट्विटर पर जाकर रीट्वीट भी कर दो, जिससे कि YouTube को जिससे कि उनको हेल्प आउट जल्दी से जल्दी मिल जाए YouTube के थ्रू, ठीक है। सो हम लोग के हाथ में इतना ही कुछ है, बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ अपने तरफ से, जब पदम तमांग भाई को और उनके वाइफ को, कि अगर आप फिर से दोबारा कोई YouTube चैनल बनाए हैं तो उस वाले फ़ोन में या फिर उस वाले लैपटॉप से हटाकर किसी और डिवाइस में रखना उस चैनल को, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे जैसे टेक चैंपियन सपोर्ट या फिर YouTube वाले बाबा करके YouTube चैनल है, उनका चैनल भी देखना है। उसी डिवाइस में अगर आप फिर से दोबारा YouTube चैनल बनाएंगे तो YouTube ने अगर पहले भी आपका YouTube चैनल डिलीट किया है, उसी डिवाइस में आप फिर से बनाएंगे तो बिना कोई रीज़न फिर से वो YouTube चैनल डिलीट हो सकता है। सो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, मैं तो बोलता हूँ लगभग 90% लोगों को पता ये चीज़ नहीं है। अगर एक बार इस डिवाइस में मेरा YouTube चैनल डिलीट हो गया सो मैं दोबारा इस डिवाइस में अपना YouTube चैनल नया नहीं बनाऊंगा, किसी अदर डिवाइस में बनाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अगर बनाए हो तो किसी अदर डिवाइस में लगा लो, उस चैनल को लॉगिन वगैरह करके उस पे मतलब सेट करके रखो, ठीक है। और इस डिवाइस को मतलब एक फॉर्मली यूज़ करो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, जो भी होता है मेल वेल वगैरह वो सारा कुछ चेक कीजिए। सो इतना कुछ था। सो YouTube की बहुत सारी रूल होती है दोस्तों, बहुत सारी उसकी पॉलिसी होती है। अगर आप लोग कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हो तो YouTube आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है। इसका स्ट्राइक वाला रूल भी बहुत सारी होती है, जैसे तीन टाइप के रूल होते हैं। पहले तो आपको YouTube क्लेम देता है, दूसरा कोई अदर पर्सन का कंटेंट आप यूज़ करते हो तो वो आपको स्ट्राइक मार सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। तीसरा तो दोस्तों YouTube आपको खुद ही कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देगा अगर आप उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हो तो, ये सारा कुछ होता है फंडा, ठीक है। तो आप लोगों को इन सारी बातों का ध्यान में रखना है। अगर आपको मेरे से जानना है तो आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि ये मेरा कैटेगरी नहीं है, मैं अलग तरीके का वीडियो बनाता हूँ। अगर मेरे से आप लोगों को जानना है कि YouTube के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि इन फ्यूचर मेरा वीडियो आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में मिल जाए।